अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को रमज़ान की तीसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपको सहरी का वक्त हो चुका था और मैं रोटियां बना रही थी। यहाँ पर बच्चे भी उठ चुके थे और बच्चों को रोटियां पराठे में बना बना कर दे रही थी। उसे हम थोड़ा सा हल्का सा असली घी भी लगाते हैं, बच्चों को दे रही थी। ये मैंने क्लिप दोपहर में शूट किया है। तो बहुत गर्मी थी जब मैं एग्ज़ाम, बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था, तो यहाँ मैंने तब शूट किया था। दोपहर का वक्त होने के बाद बहुत ही गर्मी और बहुत ही धूप थी। यहाँ इफ्तारी के लिए आज हम थोड़ा सा कम ऑयली बना रहे थे, मसाला पाव। यहाँ पर आप पाव को इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पाव को टुकड़ों में कट कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा जीरा और प्याज डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। उसे गोल्डन होने देना है। इसमें थोड़ा सा बाद में टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा बटर भी, इसमें बटर आप डाल सकते हो, और कैप्सिकम डालकर इसे अच्छे से भून लेना है। थोड़े से गाजर भी ऐड करते हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल होंगे आप उसमें ऐड कर सकते हो। बाद में मैंने पाव भाजी मसाला ऐड किया है और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी ऐड की है, नमक, थोड़ा सा पहले नमक ऐड किया है, बाद में नींबू का रस ऐड किया है। आप थोड़ा सा पानी इसमें डालकर अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर फूड कलर ऑप्शन है, आप चाहो तो डाल सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। सब्जी अच्छी गल जाने के बाद में उनको पाव के डालने हैं, पाव के टुकड़े डालने हैं और फिर बाद में थोड़ा सा नमक डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे मसाला पाव बनकर तैयार है। आप चाहो तो इस मसाला पाव को चाट के तौर पर भी इसे बना सकते हो। उसके ऊपर थोड़ा सा इमली का चटनी डालनी है, थोड़े से प्याज डालनी है बारीक कटी हुई, और हरा धनिया और सेव डालनी है। ये पाव बहुत टेस्टी लगते हो। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। हाँ, दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।